जो शहर के स्कूल होते हैं एक सब्जेक्ट के दो दो टीचर तीन तीन टीचर होते हैं, तो वहीं अगर गांव में देखें आप, गांव में एक सब्जेक्ट के दो टीचर तो छोड़ो, वहां पे चार क्लासों पांच क्लासों के लिए एक टीचर। ऑफिस दरमाड़ी में है, लोग ऑफिशियली काम के लिए दरमाड़ी आते हैं, तो वहां पे शौचालय है, स्टाफ तो होना चाहिए। एक स्टाफ का एक टीचर है, वही ऑफिशियली काम करेगा, वही 50 बच्चों आठ क्लासें लगाएगा, तो बताइए कि आप कैसे हो सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी चल रही है, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई ऑनलाइन पढ़ता है, क्योंकि कंट्रोल है ही नहीं। तो युवाओं के होंगे सवाल, एपिसोड तीसरे में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज बीपी सिंह हैं, जो पटिया के रहने वाले हैं, जिला रियासी हेडक्वार्टर से 75 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो आइए, इनके भी कुछ सवाल हैं, जानते हैं। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। थैंक यू बलबीर जी। क्या सवाल है आपके, पहला सवाल क्या है आपका? देखिए बलबीर जी, हमारा पहला सवाल है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि भारत स्विच होना चाहिए, तो स्विच की बात करें तो शौचालय देखें, मैं प्रॉपर थ्रू पटिया में रहता हूँ, साथ ही में हमारे दरमाड़ी हेडक्वार्टर में देखें तो शौचालय के बिना इतना बुरी कंडीशन है कि दूर दराज से जितने भी महिलाएं लोग जितने भी आते हैं, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम 30 ऑफिस दरमाड़ी में हैं, लोग ऑफिशियली काम के लिए दरमाड़ी आते हैं, तो वहां पे शौचालय है ही नहीं जी। तो लोगों को शौचालय के लिए कहीं ऐसे खज्जल होते हैं रास्ते, कहीं ना कहीं जाते हैं रोड में। चलो, जो हमारी माताएं बहनें हैं वो खज्जल हो रही हैं क्योंकि शौचालय है ही नहीं। तो मैं मोदी जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आप शौचालय कहते हैं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, तो शौचालय भी होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक जगह मार्केट में, दरमाड़ी में है, अरनास में है, थुरू में है, कहीं भी शौचालय ज़रूरी है जी। तो किस प्रकार से शौचालय बनाने का तरीका, कैसे बनेंगे, थोड़ा सा बताएंगे किस प्रकार से काम किया जा सकता है? वैसे ही अगर कहीं भी अगर बनाना है तो कोशिश करें कि अब आप देखें यहाँ पे कि स्विच की जहाँ बाथरूम की ज़रूरत है वहाँ पे आप बाथरूम बनाएं, तो इसलिए क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो डिस्टर्ब ना हो सकें जी। दूसरा सवाल क्या है आपका? साथ में जो दूसरा सवाल है, जैसे हम यूथ की बात करें, यूथ हमारा आज कितना अपना रास्ता छोड़ के कहीं कहीं भटक रहा है। आप देखें, जैसे स्टडी की बात करें, आज सारा युवा ऑनलाइन स्टडी चल रही है, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई ऑनलाइन पढ़ता है। अच्छा। क्योंकि कंट्रोल है ही नहीं जी। तो अपने युवा को नशे की तरफ जा रहा है। अच्छा। नशे की तरफ कितना जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि नशे पे कंट्रोल किया जाए, युवा को सीधे रास्ते पे लाया जाए। कैसे लाया जा सकता है, जो हमारे युवा हैं अगर वो डाइपोर्ट हो चुके हैं किसी दूसरे रास्ते में, गलत रास्ते में, उनको अपनी सोसाइटी में वापस लाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, थोड़ा सा हिंट ये भी बता दें हमें। मैं तो यही कहता हूँ कि युवा को अगर रास्ते पे लाना है जी। तो कोई खेल कूद की तरफ लाएं। कोई बच्चा आज खाली, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ रट्टे की तरफ जा रहे हैं, रट्टा देते हैं, वैसे डिग्रियां ले रहे हैं जी। मैं तो चाहता हूँ कि कोई एक युवा की तरफ साथ बैठें, बैठ के युवा के साथ बात करें कि कौन सा बच्चा क्या काम करना चाहता है। किसी बच्चे का कुछ मोटिव होता है, किसी बच्चे का कुछ करने के लिए, मगर करने के लिए आज कुछ फील्ड नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि युवा के बीच में बैठ के उनसे डिस्कस किया जाए, कौन सा बच्चा क्या करना चाहता है, कौन सा बच्चा क्या करना चाहता है, वैसे ही उनके साथ उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए। तीसरा सवाल आपका क्या है? तीसरा सवाल तो मेरा यही है कि एजुकेशन का जो है जी। एजुकेशन आज देखो, हमारे गरीब लोग गांव से उड़ के दिहाड़ी दूर लोग आके सिटी में अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, तो सरकार को इतना सोचना चाहिए कि जो एक दिहाड़ीदार बंदा जो है अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगी के लिए, उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए, जो अगर शहर में आके अपनी दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों को उनको वो स्टडी दे रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ कि वो जो उन्हें दिहाड़ी इधर लगा के करना है वो अपने घर में कुछ अच्छा कर सकें। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि गांव में कोई अच्छी ऐसी लाइब्रेरी खोलें, जो बच्चे इधर आके पढ़ते हैं वो उधर बैठ के पढ़ें, जहां अच्छा स्टाफ दें जी। स्कूल की बिल्डिंगें तो बनी, काफ़ी अच्छी बिल्डिंगें बनी है, मैं तो मानता हूं अच्छी बनी, मगर बेहतर जितनी अच्छी बिल्डिंग है उतनी एजुकेशन नहीं है। अच्छा। मैं तो चाहता हूं कि अच्छा स्टाफ मिले उनको, तो अच्छा, क्योंकि वो
अपने गांव में ही पढ़ सकें। सरकारी स्कूल में तकरीबन अच्छे ही स्टाफ होता है, अच्छा ही अध्यापक होते हैं, फिर किस प्रकार से अच्छे नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे स्कूल हैं, मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में एक टीचर है जी। एक टीचर जहाँ पे अगर 50 बच्चा है, एक टीचर वो ऑफिशियली काम करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा। सही बात है। ऐसे ऐसे हमारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मिडिल स्कूल में स्टाफ तो होना चाहिए, एक स्टाफ का एक टीचर है, वही ऑफिशियली काम करेगा, वही 50 बच्चों 8 क्लासे में लगाएगा, तो बताइए कि आप कैसे हो सकता है। आपका साफ तौर से कहना है कि पहले जो अध्यापक हैं स्कूल में पूरे होने चाहिए। बिल्कुल, अगर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, अगर जिस जहाँ पे 8 क्लासें लगती हैं वहाँ पे टीचर भी वैसे ही होने चाहिए। चौथा सवाल आपका क्या है? चौथा सवाल तो मेरा यही है कि हम अक्सर देखते हैं कि जो शहर के स्कूल होते हैं एक सब्जेक्ट के दो दो टीचर, तीन तीन टीचर होते हैं, तो वहीं अगर गांव में देखें आप, गांव में एक सब्जेक्ट के दो टीचर तो छोड़ो, वहाँ पे 4 क्लासों 5 क्लासों के लिए एक टीचर है, 8 क्लासों के लिए एक टीचर है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा शहर में क्यों है, गांव की तरफ भी जाइए, गांव के बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। पांचवा सवाल आपका क्या है? पांचवा सवाल मेरा रोड का है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनका मिशन है कि हर गांव-गांव में रोड पहुंचाना है, तो हम देख रहे हैं कि गांव की रोड की इतनी खस्ता हालत है कि लोग गाड़ियों में बैठने से मजबूर हैं। साथ ही में मोदी जी का एक सपना भी है, कहते हैं कि जो PMAY मकान दे रहे हैं आज, ज़्यादा गवर्नमेंट का ध्यान सरकार का यही है कि गांव-गांव में मकान पक्के बनाने हैं, हर पक्का मकान बनाना है, तो वो जैसे 1.5 लाख रुपए देते हैं मकान के लिए, तो वहाँ पे रोड की इतनी बुरी हालत है कि गाड़ियों वाले मानते ही नहीं आने के लिए। अच्छा। तो एक एक गाड़ी वाला 15-15, 20-20 हज़ार रुपया कैरेज मांगता है, तो बताएं एक मकान बनाने के लिए अगर 1.5 लाख रुपए वो देते हैं, 1.5 लाख रुपए तो मकान बनाना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रोड की इतनी खस्ता हालत है कि कोई गाड़ी वाले मानते ही नहीं आने के लिए, अगर जो आता भी है तो डबल कैरेज लेता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रोड की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, रोड के कंडीशन ठीक हों, तो तभी जाके मोदी जी के सपने पूरे होंगे, रोड भी ठीक हो जाएगा, साथ ही में लोगों के मकान भी बन पाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। BP सिंह के जो सवाल थे वो आप सभी ने सुने हैं। हर किसी का हक है कहना और बताना, सवाल करना, क्योंकि ये डेमोक्रेसी इंडिया है, यहाँ पे हर बंदा अपने सवाल रख सकता है। इसलिए हमने ये एपिसोड स्टार्ट किया था जिसमें यही है कि युवाओं के होंगे सवाल, और BP सिंह के यही सवाल थे कि पहले सड़क को सुधारा जाए, उसके बाद जो कार्य है, कार्यशैली जो है बची है, या जो वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, पहले सड़क पे जोर देना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये रखी है कि हर पंचायत घर में जो है बच्चों पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी रूम होना चाहिए, यहाँ पे गांव के बच्चे भी पढ़ सकें। फ़िलहाल आपको बताते चलें कि ये ज़िला रियासी से 70 से 75 किलोमीटर में रहते हैं, लेकिन आपको बताते चलें ये इनकी जो पंचायत है ये है थुरू बी, और जो इनका तहसील है वो है द्रमाड़ी में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रियासी पड़ता है। इतनी दूर से आने के बावजूद इनके जो सवाल थे शायद आपने सभी ने गौर किया होगा। अगर किसी और के भी सवाल हैं, युवा कोई अपना सवाल रखना चाहता है, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। इस एपिसोड में, इस मुहिम और इस एपिसोड में आप भी आ सकते हैं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।